हेलो स्टूडेंट्स आई एम प्रदीप कुमार आई हैव डन माय एमएससी फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे आई गोट ए आई आर थ्री ऑल इंडिया रैंक थ्री इन एमएससी एंट्रेंस एग्जाम फॉर आई एंड नाउ आई टीच मैथमेटिक्स टू आई टी जे सो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छी रिंक या फिर सिंगल डिजिट रैंक किस तरह से आप सिक्योर कर सकते हैं अपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए क्या क्या फैक्टर्स हैं ठीक है ठीके? मैं अपनी जर्नी से थोड़ा थोड़ा रिलेट करके जितना मुझे आइडिया लगा है उससे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा ओके okay? सो so, सबसे पहले जरूरी क्या है कि आपका जो एम है ठीक है आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है या आपको एक अच्छा सी बनना, अच्छा बनना है तो आपको उसके लिए क्या करना है जो आपका एम है उसके लिए सबसे पहले आपको फोकस्ड रहना जरूरी है यस फोकस होना जरूरी है आपका मतलब कोई चीज़ करनी है तो वो ठान लो कि करनी है और फिर उसकी तरफ जो रास्ता आपको लेके जा रहा है उसके लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है आप वो करते चले जाए ठीक है आप डेफिनेटली एक अच्छी जगह पहुँचेंगे सर क्वेश्चन याद है कि डिस्ट्रेक्शन तो बहुत सारी है और आजकल तो और ज़्यादा हो गई है तो किस तरह से फोकस रहा जाए पहली चीज़ जो मैं कहूंगा जो भी आपका एम है उस पर फोकस रहने के लिए सबसे पहले आप उसके बारे में सोचें उसको थोड़ा सा जीना शुरू करें यस yes. आपको अगर आईआईटी में जाना है तो क्यों जाना है वो फैक्टर क्या है ठीक है आपको वहां जाके अच्छे लोग मिलेंगे अच्छे फैकल्टी अच्छे टीचर्स मिलेंगे उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यस yes. अच्छे अच्छे कल्चरल फेस्ट होते हैं वहाँ पे वो सब इन्जॉय करना है पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करनी है मौज मस्ती के टाइम मौज मस्ती करनी है यस उससे रिलेटेड आप वीडियोस देख लो ज़्यादा नहीं मैं ये नहीं कहूँगा कि वीडियो देखते रहो नहीं ठीक है आपको एक लगेगा कि हाँ लोग वहाँ पे किस तरह की लाइफ जीते हैं उससे वहाँ पे जो है उनसे एक एक दो बंदों से इंट्रैक्शन करो कि वहाँ की लाइफ कैसी है यस yes. आप जैसा चाहते हैं वैसा है क्या वो आपको मोटिवेट करेगा कि हाँ यहाँ पर लोग इतना अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे रिसर्च इतनी अच्छी हो रही है लोग इतने अच्छे अच्छा, अच्छा पैकेज ले रहे हैं तो मुझे भी जाना है यस yes, मुझे भी कुछ करना है वहाँ पे जाके ओके okay? फोकस रहने के आपके अलग अलग तरीके हो सकते हैं कोई किसी चीज़ से किसी एक डायरेक्शन में रुक कर सकता है कोई किसी दूसरी चीज़ से उसका कोई एक पैरामीटर नहीं है कि सर फोकस कैसे रहें उसका कोई मंत्र नहीं है कि आप ये करें तो फोकस रहेंगे ना वो सिर्फ आपके ब्रेन में है और सिंगल डिजिट रैंक लाने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है होना पड़ता है ऐसे नहीं आती लोग कह देते हैं कि ठीक है आ गई मेरी तो नहीं मेंटली स्ट्रोंग होना पड़ता है आपको डिस्ट्रेक्शन हैं उनसे बच के रहना पड़ेगा मुझे आज भी याद है मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मुझे मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे अब आई में जाना है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैं ज़्यादा इधर उधर घूमता नहीं था तो दोस्त मुझे बोलते थे कि चल 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 पर मैं क्या करता था मैं जो भी फ्री पीरियड होता था या फिर कुछ टाइम बाद क्लासेस ख़त्म होने के बाद मैं लाइब्रेरी चला जाता था और मैंने अपने फ़र्स्ट और सेकेंड ईयर में इतनी बुक्स पढ़ी हैं इतनी बुक्स पढ़ी हैं अपने हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मतलब मैं खुद ही बता सकता कि किस तरह से मैंने हर एक टॉपिक को अच्छे से तैयार किया है तो कुछ तो था यहाँ जो मुझे बता रहा था कि नहीं मुझे जाना है आईटी जाना है नहीं रहना मुझे ऐसे नहीं रहना कुछ करना है यस yes. तो उसके लिए कोई ना कोई फैक्टर होगा वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि आप अपने एम के लिए किस तरह से फोकस रह सकते हैं यस ठीक है तो आपको सबसे पहला काम करना है वो फैक्टर ढूंढना है जो आपको आपके एम को लेके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखे सेकेंड सर ठीक है फोकस हो गया अब क्या करें अब उस पर काम भी करना है यस सेकेंड थिंग इज वर्क हार्ड आम नोट सेमार्ट वर्क आम से हार्ड वर्क यस स्मार्ट वर्क जरूरी है पर होता है ना कभी कभी कि आप में शुरू में नहीं होता वो स्मार्ट वर्क हर किसी में नहीं होता है स्टार्टिंग में कुछ लोग होते हैं कि जो स्मार्टली चीज़ें कर जाते हैं पर हम नहीं कर पाते हैं है ना पर मेरे पास ये तो है ये तो कोई भी कर सकता है कोई भी कर सकता है हार्डवर्क आप भी कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूँ कोई और भी कर सकता है जो अच्छा नहीं कर रहा होगा वो भी कर सकता है यस yes. तो हार्डवर्क करते चले जाओ और हार्डवर्क आप जैसे जैसे करते चले जाएंगे आप अपने आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद आप स्मार्ट वर्क करना भी सीख गए हैं अपने आप आएगा ठीक है अब एक चीज खुद थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हैं जब आप मैथ्स की प्रॉब्लम करते हैं खासकर स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो बड़ी डिफिकल्ट लगती हैं यस yes. कोई चैप्टर है वो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है पर जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करता चला जाऊंगा हार्डवर्क करता चला जाऊंगा उस पर मुझे डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स मिलने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे और मैं उसी क्वेश्चन को एक स्मार्ट वे में करना शुरू कर देता हूं धीरे धीरे है ना याद करो जब आप नाइन्थ में थे तो आपको नाइन्थ की बुक टफ लगती थी नाइन्थ के मैथ्स टफ लगते थे यस वहां के क्वेश्चन टफ लगते थे पर जैसे ही आप टेंथ में आ गए नाइन्थ आपको ईजी लगने लगी अब आप इलेवेंथ में आ गए टेंथ ईजी लगने लगी क्यों क्योंकि वहां पे मैं कर चुका हार्ड वर्क यस अब कोई क्वेश्चन देगा तो आप क्या करेंगे उसको अपने आप स्मार्ट वर्क आएगा वहां पे ठीक है डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज जनरेट होंगे ओके तो स्मार्ट वर्क आ जाएगा ये सब में नहीं होता है मैं जानता हूं मुझ में भी शायद नहीं था यस yes. पर ये फैक्टर इसको इंप्लाई करवा देगा बड़े आराम से पर स्मार्ट वर्क आपके हार्ड वर्क को इंप्लाई नहीं करता यस yes. अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप वर्किंग भी होके okay? और अगर आप हाँ, वर्किंग नहीं है सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क पे बिलीव कर रहे हैं तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे आपकी स्किल्स खत्म होती चली जा रही हैं वो स्मार्ट वर्क करने की जो टेंडेंसी थी आपकी वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी ओके तो यहां पे फोकस रख, फोकस करें हार्ड वर्क पे और वो अपने आप ले आएगा ठीक है पर यहां पे एक और चीज जरूरी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए स्पेशली मैं नॉलेज की बात नहीं करूंगा यहां पर नॉलेज के लिए तो आप एक अगर सब्जेक्ट को उठाएं उस सब्जेक्ट का एक टॉपिक भी उठाएं तो उस पर ही काफी सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी है ना पर जब आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको स्टिक रहना पड़ता है आपके सिलेबस पे कि मेरा सिलेबस इतना है इतना ही जाना है आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए आप पूछ सकते हैं अपने टीचर से अपने कोई भी आसपास में दोस्त हैं बड़े भैया हैं जो तैयारी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हाइयर स्टडीज कर रहे हैं पर नहीं आप पहले और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेके फोकस रहे कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है और आपको उसके लिए अपने सिलेबस पे स्टिक रहना पड़ेगा स्टिक टू योर सिलेबस लाइक एंट ऑन अ जैगरी यस मीन्स आपको उसी तरह से अपने सिलेबस पे स्टिक रहना पड़ेगा जिस तरह से मीठे पे एक चींटी फिक्स चिपकी रहती है वैसे ही रहना पड़ेगा यस yes? ये जरूरी है हार्ड वर्क करते करते ऐसा नहीं है कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं और अपने सिलेबस से ही पार चला गया नहीं उससे नो डाउट आपको क्या आएगी नॉलेज तो आएगी पर आप वो नॉलेज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है सबसे पहला काम क्या है वो एग्जाम आपके लिए अगर आपको यहां जाना है अपनी तैयारी करते वक्त तो आपको उतना ही सिलेबस अभी जरूरी है जितना इन्होंने दिया है है ना नॉलेज वहां जाके गेन कर लेना या फिर पहले सिलेबस खत्म करो फिर नॉलेज और ले लो एक्स्ट्रा ठीक है मैं उसके खिलाफ नहीं हूं अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर आप तो कह रहे हैं कि नहीं अपने आप को बाउंड कर दो नहीं जितना सीखना है सीखो उसकी कोई बाउंड्रीज है ही नहीं लिमिटलेस पर आपको अगर एग्जाम निकालना है तो अपने सिलेबस पे स्टिक रहना ही पड़ेगा ठीक है तो वर्क हार्ड इन राइट डायरेक्शन ओके अपने पाथ को चेक कर लें बार बार कहीं मैं भटक तो नहीं गया कि मैं गलत रास्ते पे तो नहीं चला गया हार्डवर्क करते करते ठीक है कभी कभी लगता है ना कि एक सब्जेक्ट जैसे मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो मुझे केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी लगने लगती थी है ना तो मैं केमिस्ट्री काफ़ी पढ़ना शुरू कर दिया काफ़ी पढ़ना शुरू कर दिया उसके चक्कर में क्या हुआ बाकी दोनों सब्जेक्ट थोड़े से ढीला पढ़ना शुरू हो गए ओके okay? तो ये आपके एग्जाम के लिए सबसे खतरनाक चीज है आपकी एक अच्छी रैंक से मतलब आपको उस एग्जाम से बाहर धकेलने के लिए आप खुद ही अपने दुश्मन बन जाएंगे अगर आप ऐसा करेंगे तो ठीक है तो वर्क हार्ड बट इन अ प्रॉपर डायरेक्शन मीन्स स्टिक टू योर सिलेबस ओके जहां पे भी आप हैं जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं जो भी वो करवा रहे हैं उनमें फेथ रखें और जिस तरह से वो आपको करते हैं उनको फॉलो करते चले जाए डेफिनेटली आपकी एक अच्छी रैंक आएगी डेफिनेटली कोई नहीं रोक सकता कोई नहीं रोक सकता ठीक है अब वर्क हार्ड इसके बाद एक और फैक्टर जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कंसिस्टेंसी अब कुछ लोग क्या आते हैं हार्ड वर्क तो कर रहे हैं मतलब दो दिन पढ़ेंगे दस दस घंटे फिर तीसरे दिन पढ़ेंगे नहीं फिर दो दिन पढ़ेंगे पंद्रह दो दो, 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 दो दो चार चार घंटे फिर एक दिन फिर नहीं पढ़ेंगे है ना मीन्स ब्रेक है उनके बीच में उनकी स्टडी के बीच में डिसकंटिन्यूस है वो कंटिन्यूस कंटिन्यूटी और डिस्कंटिन्यूटी और तो जानते ही होंगे तो उनके पढ़ने का जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूस है है ना? कंसिस्टेंसी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है अब ये भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से मैंने इंक्लूड किया इसको <laughs> मुझे आज भी याद है मैं अपने एग्जाम से कोर्स मैंने किया था भले ही मैं जितने भी मेरे एग्जाम हो रहे थे कॉलेज में वो सारे मैं कर रहा था अच्छा भी कर रहा था पर मैंने जो एग्जाम की तैयारी शुरू की थी अपने वो छः महीने पहले शुरू की थी पांच या छः महीने पहले पर जब से मैंने उसको शुरू किया तब से मैंने ये चीज़ मेंटेन रखी मतलब मेरा टाइम फिक्स था मेरी लगभग साढ़े चार बजे लास्ट क्लास होती थी और मैं लगभग पांच बजे अपनी लाइब्रेरी में जाता था पांच बजे साथ में मेरे एक दोस्त दोनों हम पांच बजे लाइब्रेरी जाते मेरे दोस्त की अलग स्टोरी है है ना तो हम पांच बजे जाते और हम करीबन करीबन साढ़े आठ आठ बजे वहाँ से निकलते पढ़ाई करके बीच में कुछ खास नहीं सिर्फ पढ़े तीन साढ़े तीन घंटे सिर्फ और सिर्फ हर दिन अपने एग्जाम से रिलेटेड पढ़ाई हर दिन सिर्फ एक संडे छूटता था और वो भी छूटता नहीं था वो हम अपने अपने घर पे या अपने अपने हॉस्टल में तैयारी कर रहे होते थे ठीक है और मेरा दोस्त कोचिंग जा रहा होता था एक्चुअली वो कोचिंग जा रहा होता था मेरे लिए क्योंकि मुझे उस कोचिंग के नोट्स से जो वो लिख के लाता था उससे एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलती थी है ना तो डायरेक्शन भी ज़रूरी है मेरे लिए उसके नोट्स ने डायरेक्शन का, का काम किया है ना वरना तो शायद हो सकता कि मैं डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ता शायद मैं सिलेक्ट हो जाता पर अच्छी रैंक ना, ना तो वो जो डायरेक्शन देने का काम किया, वो मेरे दोस्त के नोट्स ने किया और कंसिस्टेंसी का काम उसके लिए मैंने किया है ना मतलब हमें बैठना है पांच से साढ़े आठ तो तैयारी करनी ही करनी है नहीं रुकना हर दिन हर दिन मुझे आज भी याद है चाहे वो बेसिकली ठंड का ही टाइम हो जाता था अक्टूबर नवंबर में यहाँ तो मैं तब भी साढ़े आठ बजे जाता था मेरे को बड़ी मुश्किल से व्हीकल मिलता था घर जाने के लिए पर मैं जाता था साढ़े आठ बजे आठ साढ़े आठ बजे ओके कंसिस्टेंसी जरूरी है अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक दिन पढ़ लेंगे दस घंटे अगले दो दिन छोड़ देंगे तो वो ठीक नहीं है है ना खैर देखते हैं यहाँ पे वापिस हाँ तो मैं कहाँ था कंसिस्टेंसी जरूरी है अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं अपनी तैयारी को लेके, तो वो भी आपके फेलियर का एक बड़ा रीजन होगा और मैं कह सकता हूं ये बात डेफिनेटली है ना तो सबसे पहले जरूरी है आप फोकस रहें उसके बाद हार्ड वर्क करते रहें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें ठीक है नेक्स्ट एक और फैक्टर है वो फैक्टर क्या है कि आपको एग्जाम देते रहना है अपने आप को इवेलुएट करते रहना है इवेलुएशन जरूरी है कि एक टाइम पीरियड बाद जैसे अभी आप लोग जानते ही हैं आप जब तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके एग्जाम होते हैं हर मंथ में है ना किसी के दो हफ्ते दो बाद किसी के तीन हफ्ते बाद किसी का एक मंथ में एक एग्जाम आप वो एग्जाम जरूर दें वो आपको इवेल्युएशन में हेल्प करेगा वो आपका इवेल्युएट करेगा कि आपने कितना सीख लिया है है ना इवेल्युएशन इसीलिए जरूरी है कि आपने कोई चीजें कर तो ली आपने एक चैप्टर पढ़ तो लिया अब पता कैसे करूं कि वो कितना तैयार है या मैं कितना सीख गया उसको तो उसी के लिए आपका कौन है एग्जाम एग्जाम दें उसमें जो जो गलतियां हो रही हैं उसको देखें सिली मिस्टेक्स को उसमें रिमूव करते जाए धीरे धीरे कभी कभी होता है ना कि किसी मिस्टेक्स हो जाती है टू प्लस थ्री सिक्स वो रिमूव करते जाए धीरे धीरे और वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि हाँ सर कोई बात नहीं लास्ट एग्जाम तक हो रहा है मैं अपने आप वहां जाऊंगा तो कर लूंगा नहीं होगा वो नहीं होगा वो पक्का नहीं होगा क्वेश्चन का आंसर भी जब आप सोल्व करते हैं वो आपको फाइनल निकालना है एग्जाम से पहले जब आप तैयारी कर रहे होते हैं ना तो आपको फाइनल आंसर तक पहुंचना है घर पे भी ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ ऐसे ऐसे स्टेप हैं ये मैं कर लूंगा हो जाएगा ना वो आपके टीचर आपको बोल सकते हैं कि यहाँ ऐसे करना है ऐसे करना पर आपको जाना है यहां यहां जाना है और अगर यहां जाना है तो हर एक आंसर पे पहुंचना जरूरी है अगर आप सोचेंगे कि मैं ऐसे ऐसे कर लूंगा और हो जाएगा तो जब एग्जाम में बैठेंगे ना तब प्रैक्टिस नहीं हुई होगी उसको प्रैक्टिस नहीं बोलते हैं हर क्वेश्चन के फाइनल आंसर तक पहुंचना ही है चाहे वो कैसा भी हो चाहे वो इजी हो चाहे टफ हो चाहे कुछ भी हो ओके okay? एग्जाम में इवेल्युएशन के लिए काम आया एग्जाम अब एग्जाम में क्या होगा एग्जाम में कुछ मिस्टेक्स होंगी मतलब आपके नंबर कम आएंगे तो कुछ सिली मिस्टेक की वजह से होंगे जैसे ही एग्जाम हो गया रिजल्ट आ गया उस एग्जाम का फटाक से मैंने अपने सारा पेपर वापस देखा देखे कि क्या क्या क्वेश्चन गलत हैं और उनको क्या किया वापस से सीख लिया और उसमें कैटेगराइज कर दिया कि सीलिए मिस्टेक कहां पे है कॉन्सेप्चुअल एरर कहां पे है सिली मिस्टेक को धीरे-धीरे कम किया कॉन्सेप्चुअल एरर जो थी वो मैंने सर से डिस्कस की या आपने आप वापस से नोट्स को रिवाइज किया और उनको रिमूव किया ओके okay? तो ये चीजें जरूरी रहेंगी इवैल्यूएशन ओके okay? ये भी नहीं किया तो अभी प्रॉब्लम में है ओके okay? तो एग्जाम जो भी हो हर एक एग्जाम दे और चीजों को इससे सीखते रहें ओके okay? एक चीज ध्यान रखें आपके एग्जाम में एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही इंपॉर्टेंट है पर जब आप इलेवेंथ में एंटर करते हैं स्पेशली फॉर इलेवेंथ स्टूडेंट जब आप इलेवेंथ में एंटर करते हैं तो आपको अपनी स्पीड से ज्यादा अभी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है ओके okay? स्पीड से पहले आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि हाँ मैं जब चीजें सॉल्व कर रहा हूं तो वो कितनी करेक्टली सोल्व कर पा रहा हूं उसके बाद आप स्पीड पे जाए जैसे ही आप स्पीड पे जाएंगे स्पीड प्लस एक्यूरेसी जैसे ही होगी थोड़ा सा कम हो जाएगी एक्यूरेसी मैं जानता हूं तभी इसीलिए मिस्टेक होती है जब आप जल्दबाजी में होते हैं तो ये चीज का ध्यान रखें और फिर आप धीरे धीरे उस एक्यूरेसी को वापस से मेंटेन करें ओके तो स्टार्टिंग में एक्यूरेसी पे ध्यान दें फिर कुछ टाइम बाद जब आपको लगे कि यहाँ आप एक सही प्लेस पे पहुंच गए हैं आपकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है तो आप क्या करें फिर अपना स्पीड को पकड़ लें ठीक है फिर दोनों में तालमेल बनाते हुए एग्जाम देते रहें और आप पार कर जाएंगे ओके अब सर एक चीज है इवेल्युएट मान लो कि सीधा एग्जाम में तो नहीं करेंगे है ना वैसे कैसे पता करें कि सर कि मेरा चैप्टर रेडी है या नहीं है तो जैसे ही मान लो कि आपका एक चैप्टर हुआ सीक्वेंस इन सीरीज मान लो एक सीक्वेंस इन सीरीज आपका चैप्टर आपने खत्म किया तो इसके बारे में पता करने के लिए कि ये मेरा चैप्टर कितना हो गया मैंने सीख लिया है, नहीं सीख लिया पी करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाई क्यों आपको बता देगा कि आपने इस चैप्टर के बारे में कितनी नॉलेज गेन कर ली अगर आप एट्टी टू 100% के बीच में पीवाईज कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने अच्छी खासी कमांड पकड़ ली है अपने चैप्टर पे है ना अब ज्यादा जरूरत नहीं है इस पे काम करने की मतलब जरूरत है रिवाइज करना पड़ेगा चीजों को बार बार रिवीजन भी उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी तैयारी का ओके okay? पर अब इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाँ मैं सीख गया हूं अब इस चैप्टर को मैं बार बार देखूंगा रिवाइज करूंगा तो जल्दी जल्दी रिवाइज करके कुछ कुछ क्वेश्चन इस पर ट्राई करके आगे बढ़ जाऊंगा ठीक है तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है तो मेरे ख्याल से जब आप ये चारों चीजें कर लेंगे वैसे तो बहुत सारे और भी फैक्टर हो सकते हैं है ना पर मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये चार फैक्टर अगर बड़े चार फैक्टर अगर आपके पास हैं फोकस्ड हैं आपके पास आप अपने एम को लेके आप हार्ड वर्क करते जा रहे हैं कंसिस्टेंसी बनाए रखे हुए हैं और आप अपने आप को बीच में इवेलुएट कर रहे हैं और उस इवेलुएशन के दौरान अपनी वीकनेस को रिमूव करते जा रहे हैं ओके और अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें ठीक है वीकनेस पे तो करना ही है स्ट्रेंथ पे भी काम करें ओके तो डेफिनेटली आप जब इतना कुछ कर लेंगे एक लंबे पीरियड तक दो साल तक जितना भी आपका तैयारी का टाइम है तो जैसे कहते हैं ना कि लोग कि सफलता के लिए समय लगता है ना वक्त लगता है अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप एक काफ़ी वक्त दे चुके होंगे अपनी सक्सेस के लिए ठीक है तो शायद मेरी तरफ से इतना ही कि आप किस तरह से एक अच्छी रैंक या एक अच्छा स्कोर सिक्योर कर सकते हैं ओके सो अपनी तैयारी करते रहिए आप बाय बाय एवरीवन And thank you, everyone.